आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हरविंद कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसा बलिया कभी बिहार से तस्करी कर मादक पदार्थों को देश की अन्य जगहों में भेजने का केंद्र था, तो आज बिहार में शराबबंदी के बाद अवैध तरीके से शराब पहुंचाने का हब बन चुका है। एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ तस्कर मालामाल हो रहे हैं। इस तरह के कारनामे पर भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह ने कई बार अंगुलियां उठाई पर सुधरने का नाम नहीं। इसी कड़ी में बीती रात हरियाणा से चलकर बलिया से महज 15 किलोमीटर पहले ट्रक के पिछले चौके के टूटने से फेतना थाना के विकेट के सामने ट्रक धड़ाम से गिरी। रोड पर मौके पर स्थानीय लोग भी पहुंच गए, जिनके सामने ट्रक कंटेनर की खुली असलियत बीती रात फेतना थाना अंतर्गत फेतना विकेट पर कंटेनर की असलियत जानकर लोग पुलिस को आज फिर एक पूछते नजर आए। बताते चले कि कभी सपा सरकार में इस तरह बागाते देखी जाती थी और भाजपा सरकार स्कूल से लेकर अस्पताल तक की बिल्डिंग शराब माफियाओं के लिए गोडाउन बन गई है। यह कंटेनर मामूली गाड़ी नहीं है, ना कि इसमें किसी मोटर के पार्ट, ना ही बिकनी की गाड़ी है तो मात्र एक शराब ढोने का साधन। इस तरह की गाड़ियां बलिया की सड़कों पर हर जगह दौड़ती नजर आ रही हैं। पुलिस इन गाड़ियों पर हाथ डालने से कतराती है, तो आबकारी के लोग अपनी मजबूरियाँ जाहिर करती है। कारण आबकारी के पास संसाधनों का अभाव है। बलिया जनपद के फेफना थाना अंतर्गत लखनऊ बलिया मार्ग पर भले ही पुलिस 80,400 पेटी की शराब पकड़ने की बात कर रही हो, पर तस्कर नहीं लेकिन आबकारी विभाग की माने तो 14,65,000 की शराब पकड़ी गई। बात यह नहीं है कि शराब कितने की है, आखिर शराब हरियाणा से बलिया तक पहुंचती कैसे है, यह अच्छा प्रश्न है। यही पुलिसिया कारनामे को उजागर कर रही है। निर्मित शराब पकड़ी गई है, ये अंग्रेजी शराब है और इसमें टोटल हम लोगों ने 19,200 बोतल डिफरेंट कार्टून्स में दी है शराब। और इसके साथ जो गाड़ी पकड़ी गई है वो हरियाणा नंबर के ट्रक है, उसमें ये शराब लोड हुई थी और चोरी से उन्होंने केबिन बनाकर उसमें शराब रखी हुई थी। तो सूचना पे गाड़ी रोक के इसको चेक किया गया, इसमें शराब बरामद हुई है। इसकी कीमत और गाड़ी की कीमत लगभग 80 लाख रुपये है। इसको उन्होंने बरामद किया है और इसमें जो अधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे की खबर के लिए मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।